Johnny side. अब ये इस लेक्चर में हम हार्ट की कंप्लीट फंक्शनिंग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट होपफुली 2-3 लेक्चर्स तो लगेंगे इसको. आज एक मेजर चंक हम करेंगे इसका और मंडे ट्यूसडे तक या मंडे तक हम इसको रैपअप करेंगे. लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहली बात तो मैंने आपको हैंड आउट भेजा है सुबह, उस हैंड आउट को आपने रख लेना अपने पास, ठीक है. That is what you need to have to revise. ठीक है. दूसरा ये क्योंकि रिकॉर्ड हो रही है इसकी भी आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है. इसमें बोर्ड वर्क बहुत होना है, बोर्ड में मैंने सारा हिसाब किताब करना है. सो विल स्टार्ट. वॉट इज कार्डिक साइकिल? कार्डिक साइकिल है क्या? कार्डिक साइकिल इज ऑल द इवेंट्स इन द हार्ट फ्रॉम वन हार्ट बीट to the next. यानी दूसरे अल्फाज में दो हार्ट बीट्स के दरमियान जो भी इवेंट्स होते हैं उसको एक कार्डियक साइकिल कहते हैं. ये ठीक. अब पहले मोटी मोटी बातें क्लियर कर ले लें, फिर मैं एक जनरल ओवरव्यू दूंगा, फिर हम जरा टेक्निकल बातें करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए. कार्डियक साइकिल के दो मेन फेजेस हैं, सबको पता है, शाबाश. डायस्टोली और सिस्टोली, और उसको इसी तरह याद रखना है आपको. डायस्टोली फिर सिस्टोली. डायस्टोली में फिलिंग होगी, सिस्टोली में इजेक्शन होगी. यस. सो कार्डियक साइकिल कंप्राइजेस ऑफ डायस्टोली एंड देन फॉलोड बाय सिस्टोली. एट नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट, जो इस वक्त आपका हार्ट रेट है 72 बीट्स पर मिनट राउंड अबाउट, उसमें दो तिहाई टाइम हार्ट पासेज इन डायस्टोली. 1/3 ऑफ द कार्डियक साइकिल इज डेडिकेटेड टू सिस्टोली. ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है. इससे ये भी क्लियरिफाई होता है कि कितना जरूरी है डायस्टोली. हमारी ज्यादा तवज्जो जो हम नया नया पढ़ते हैं तो हमारी तवज्जो सिस्टोली बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सिस्टोली बड़ी कलरफुल होती है, उसमें बड़े एक्शन हो रहा होता है, हार्ट दौड़ हो रही होती है. डायस्टोली में कुछ नहीं हो रहा होता बज़ाहिर, लेकिन बहुत कुछ डायस्टोली में हो रहा होता. डायस्टोली में वो फीलिंग हो रही होती है जिसके बगैर सिस्टोली का कोई मायने नहीं. यस. तो हालांकि उसमें पैसिव प्रोसेसेस हैं, वही बात है, इतना कलरफुल नहीं है वो, लेकिन वो बहुत जरूरी है. इससे भी साबित होता है कि 2/3 टाइम हार्ट गुजारता है डायस्टोली में एट नॉर्मल हार्ट रेट, और 1/3 गुजारता है सिस्टोली. ठीक है. ये बात एक आपको जनरल ओवरव्यू देता हूं, ठीक है, फिर हम स्पेसिफिक बात करेंगे. मैं दरमियान वाला एरिया छोड़ रहा हूं. जनरल ओवरव्यू. जनरल ओवरव्यू ये है बच्चों कि पहले हार्ट आपने बेसिकली वेंट्रिकल पे कंसंट्रेट करना है, और वेंट्रिकल में भी आपने, हम दोनों वेंट्रिकल्स बैकवर्ड पढ़ सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए, क्योंकि वो दोनों एग्जैक्टली सेम तरह से बिहेव करते हैं, सिर्फ प्रेशर्स का फर्क है. लेफ्ट साइड प्रेशर ज्यादा होते हैं, राइट साइड प्रेशर्स कम होते हैं. टेक्नोलॉजी सेम है, इवेंट सेम है, तो समझने में आसानी के लिए हम एक वेंट्रिकल पकड़ लेते हैं और वो लेफ्ट वेंट्रिकल पकड़ते हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल is supposed to supply the entire body. Right ventricle, lungs, बहुत important है, लेकिन सिर्फ एक organ को supply करता है, lungs को. जो left ventricle है, वहाँ पे बड़ा जबरदस्त changes required होते हैं, क्योंकि उसने push करना है, उठा के फेंकना है उसको पूरी body. तो हमने left ventricle, और किताबों में भी left ventricle ही discuss हुआ होगा. तो हमने left ventricle पे अब blocking करना, बात अब left ventricle और left atrium की ही होगी, ठीक है. So, मोटी मोटी बात यह है कि आपने लेफ्ट वेंट्रिकल को फिल करना है. यह आपका हदफ है, पहला हदफ आपका यह है. अब जो भी इसके लिए जरूरी है वो आपने करना है, आपने फिल करना है, ठीक है. उसके बाद आपने लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है.
That's it. That's what you want. यही जनरल ओवरव्यू। अब आपकी तमाम तर जो तबानाइयां हैं और फोकस है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के इन दो इवेंट्स पे होगा। अब इसके गिर्द काफी कुछ होगा, लेकिन आपने सॉरी टू से मुझे कहना पड़ेगा, घबराना नहीं। ये बिल्कुल सियासी बात नहीं की मैंने, ये अभी वाकई लाइव यही बात दिमाग में है। ये आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना, हम कर यही रहे इस, लेकिन इसको करने के लिए हमें काफी तबादला करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर इससे बिजली आ रही है आप इस कमरे में, इसकी वजह से रोशन हुआ। हमारे लिए एक सिंपल सी बात है, इसके पीछे आपको पता है बिजली कहां से बन रही है? वो पहाड़ों में कोई डैम है, डैम में कोई बर्फ पिघल के पानी उधर आता है, फिर वो उसको गिराते हैं, टर्बाइन बड़े बड़े चलते हैं, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। हमें लेकिन एग्रीजी बिजली आ रही। सो ये बिजली आना ये वाली बात, ये जी उसको भरो और कॉन्ट्रैक्ट करा दो, इसमें क्या बात है? नहीं, इसमें बात है समझने वाली बात। यहां पे कोई सवाल है? हम समझो हम केक बना रहे हैं, केक खाने वाला केक, तो केक बनाने के मराहल होते हैं। पहले उसका वो बेस वेस बनती होगी मेरा ख्याल है, फिर उसके ऊपर की परतें बनती होंगी और फिर टॉप एक चेरी फिट होती है ऐसे करके। अभी हम बेस बना रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे। बेस हमने बना ली, मुबारक हो आपको, केक आपका एक तिहाई तैयार हो गया। डॉटेड से बनाया गया राइट साइड को हम आज ज्यादा छेड़ेंगे नहीं, हमने राइट साइड बनाई सिर्फ इसलिए है ये करने के लिए, ये है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जनाब यार हमें पता है कि आप ऐसे नोट, बाकी ऐसे नोट क्या करता है क्या नहीं करता मैं ये पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब आपने सेंटर में कंसंट्रेट करना, ठीक है, मुझे जी भी काम हो गया। ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में कनेक्टेड है ये किन से? वो जो पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रियम में लाती हैं, ऐसा ही है। और वो जनाबे अली हमारे पास आज रेड मार्कर है, वो ब्लड यहां से एंटर होगा, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से कहां जाना है इसने? लेफ्ट एवी वेल्व जो इसका खुला हुआ है, इंपॉर्टेंट बात है, उसके जरिए ये सीधा गिर रहा है इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसा ही है। और क्योंकि ग्रेविटी है, हार्ट इधर है लटका हुआ, तो अगर कोई चीज इसमें गिरेगी तो ग्रेविटी से वो नीचे जाएगी, तो ग्रेविटी हमें इस वक्त सपोर्ट कर रही है किस चीज में? हमारे सदर यहां पे, ठीक है। अब आपने एक चीज इमेजिन करनी है कि ये हार्ट अभी कॉन्ट्रैक्ट होके हटा है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट ये इसने और अभी रिलैक्स हुआ है और अब हमने यहां पे इसको फ्रीज कर दिया, ठीक, क्योंकि इसकी अब नेक्स्ट कार्डिक साइकिल शुरू हुआ है तो हमने पढ़ना है, पढ़ने के लिए हमने इसको फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। मैंने आपसे पहले कहा था कि डायस्टली होती है पहले, फिर सिस्टली होती है, तो अगर ये सिस्टली करके हटा है तो अब दूसरी दूसरा कार्डिक साइकिल शुरू हुआ है जिसको हमने जिसमें इसको हमने पकड़ के बैठ गए, तो अब इसकी डायस्ट्री शुरू ही होगी, ऐसे ही। उससे पहले पहले हम कमरे की हालत देख लेते हैं कि कमरे में हो क्या क्या है। कमरा वेंट्रिकल के क्या हालात हैं बेटे? ये कितने इसमें दरवाजे हैं वेंट्रिकल में? अच्छा, कुछ याद हुआ है ये ब्लू में मैंने एवरा बनाने की कोशिश की, और इसके इधर क्या है, ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, एओर्टिक
ठीक है, इसे क्या कहते हैं इसको आप, इसको आप कहने के लिए लेफ्ट ए बी वैल्व, इसको माइट्रल वैल्व भी कहते हैं। यहाँ तक ठीक है? आपने वैल्व्स की वो देखी मैंने कैसे बनाई है, ये आपने नोट करनी है, ये रैंडम नहीं बनाई। मैंने लेफ्ट ए बी वैल्व को वेंट्रिकल के अंदर दरवाजे बनाए हैं उसके, ये आपने नोट करनी है बात, ठीक हो गया। एओर्टिक वैल्व के आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा, एओर्टिक वैल्व के दरवाजे मैंने एओर्टा के अंदर खोले, ये बात नोट करने वाली है। यस, कोई सवाल है? ये इसकी इसकी ये बनता ही ऐसे, ये बाहर की तरफ क्यों नहीं खोल रहा, अंदर की तरफ क्यों खोल रहा, ऐसा ही है बना भाई ऐसे, इसे यही जवाब है, ये बाहर की तरफ नहीं खोल सकता। तो ये वैल्व एओर्टा का, और से सुनो, जब खुलेगा ये एओर्टा के अंदर ही खुलेगा, इसकी वो क्या कहते हैं हिंजेस ही ऐसे, ठीक है। एवी वैल्व जब खुलना है तो उसे वेंट्रिकल के अंदर ही खुलना है, वो पीछे जाएगा तो एबनॉर्मैलिटी में जाएगा, नॉर्मल में नहीं जाना चाहिए उसको, समझ आ रही बात? और हमने कहा था कमरे का जायजा ले लेते हैं, तो पहले हमने कमरे के दरवाजे गिन लिए, दो हैं, दो हैं, एक ए बी दूसरा ए, यहां पे दो दरवाजे लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि उनके क्या हालात हैं, कौन बंद है कौन खुला है, क्या चक्कर चल रहा है। वैसे आपसे अगर मैं लॉजिकली पूछूं तो अगर आपने वेंट्रिकल को फिल करना है डायस्टली के दौरान, ऑब्वियसली आप क्या चाहते हैं ए बी वैल्व के साथ, है जी, ओपन वाले कितने और क्लोज वाले कितने, तो बाकी कौन लोग बैठे हैं आप बाकी लोग कौन है भाई, तो एक साइड ले लो या क्लोज कराओ या इसको ओपन करो, दरमियानी तो कोई रहा नहीं है इसकी, तो वन टू आंसर है बेटे। आप ओपन करेंगे इसको, क्योंकि आप लॉजिक चेक करो ना, आप प्लीज रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये लॉजिक है सारी। भाई ब्लड इधर से आ रहा है, लेफ्ट एटीएम में आ रहा है, अब वो किधर जाएगा? आपने हदफ बनाया कि जी मैंने आज लेफ्ट वेंट्रिकल फिल करके जाना है इस क्लास, ऐसे ही है, तो ये खोलोगे तो वो अंदर आएगा ना लेफ्ट एटीएम से, ठीक है, लॉजिकल बात। तो याद रखें कि डायस्टली ये एमसीक्यू बनते हैं बड़े मीठे मीठे किस्म के। अच्छा, मजे की बात है, अभी तो आप कहानी सुन रहे हो ना, अभी आपको हर चीज बड़े मजे से अल्लाह करे याद भी हो रही हो और आप रिकॉल भी कर पाओ। जब एग्जाम अब प्रेशर एग्जाम का मिक्स्ड एमसीक्यूज हैं, जब आप फाइनल एग्जाम में बैठोगे तो हार्ट के जो एमसीक्यूज हैं वो कई और एमसीक्यूज में मिक्स होके आएंगे, उसमें आपसे जब पूछा जाएगा ना डायस्टली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन या क्लोज करके एक एक सिंपल सा एमसीक्यू दिया जाएगा, उधर आपने घबरा जाना, जबकि आपको कहा गया कि वेंट्रिकल डायस्टली जब शुरू होती है एवी वेल्व खुला होना चाहिए और वो खुला होता है, एम्फसाइज करने का वजह होती है ताकि याद हो जाए, असबर हो जाए। और एओर्टिक वेल्व के बारे में उसको बंद करना जरूरी है, और वो लास्ट जो सिस्टली करके बेचारा ये हटा है उसमें ये खुला था, इंजेक्शन रिजेक्शन हो गई थी और उसके बाद ये बंद बंद हो गया हुआ, तो उसको आपने, मैंने ये यहाँ पे काटा लगा दिया, पता नहीं नजर आ रहा नहीं आ रहा काटा, एओर्टिक वैल्व बंद है, माइटर खुला, ब्लड थोड़ा थोड़ा आ रहा, यस। दो तिहाई, आप ये देखें कि मैं ऐसे नोट का भी कोई जिक्र नहीं कर रहा, ये बात आपने नोट कर ली, ऐसे नोट अभी चुप है, वो खामोश है, अभी वो कुछ नहीं कर रहा। ये जो ब्लड इधर कलेक्ट हुआ था या हो रहा था, अब उसको एक राह मिल गई है और उसने वेंट्रिकल को फिल करना शुरू कर दिया, ये वेंट्रिकल फिलिंग हो रही है, ठीक है, ये सारी पैसिव फिलिंग है, ग्रेविटी के अंडर है, इसे बेटे कहते हैं,
अब मैं इसका नाम फिलिंग का नाम डायस्ट्री प्रॉपर रख देते हैं, ठीक है। डायस्ट्री का फेज डायस्टेसिस है। डायस्टेसिस एक टेक्निकल टर्म है जिसका मतलब ये है कि ये ग्रेविटी के इफेक्ट के अंडर एट्रियम से ब्लड बह रहा है इनटू वेंट्रिकल। कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, आराम से चक्कर चल रहा है। वेंट्रिकल की फिलिंग हो रही है दो तिहाई फिलिंग वेंट्रिकल की डायस्टेसिस से होती है, यानी पैसिवली होती है। यहां तो ठीक है। अब एट्रियम में थोड़ा सा ब्लड रह गया। अब और करो, एट्रियम में ज्यादातर ब्लड वेंट्रिकल में गिर गया ग्रेविटी के अंडर, थोड़ा सा रह गया। इसने भी इसको भी हमने डालना है वेंट्रिकल। लेकिन मसला ये है, अगर आप समझते हैं ग्रेडियंट्स के मामला को, कि अब ग्रेडियंट जरा हल्का हो गया, क्योंकि यहां से यहां आपने पानी की तरसील करनी थी, पानी अब काफी हद तक बह गया क्योंकि वैलो ग्रेडियंट है। लेकिन वो जो तय वाला पानी है उसको भी किसी तरह से आपने कहना कि नहीं भी तुम भी इधर आओ, उसके लिए तो फिर कुछ करना पड़ेगा। यहां पे आती है एट्रियल सिस्टली। मैं यहां पे पॉज करता हूं। मैंने यहां पे सिस्टली का नाम लिया, आपको घबराना चाहिए। वो तो आप कह रहे थे कि स्वर्ण और झुमका और यस, तो सवाल कर सकते हो। लेकिन बेटे मैंने कहा एट्रियल सिस्टली, मैंने वेंट्रिकल की तो बात नहीं की। एट्रियल सिस्टली एट्रिया में होती है। कब होती है? जब आपको वो एक्स्ट्रा ब्लड जो थोड़ा सा रह गया है, तकरीबन 15% जो ब्लड रह गया है, 85% आपने ग्रेविटी की हेल्प से डाल दिया वेंट्रिकल के अंदर। अब 15 से 20% रह गया, उसके लिए जरूरी है कि इसको स्क्वीज किया जाए। जूस का डब्बा जब पूरा पी लेते हो तो वो जो एंगल्स पे रह जाता है जूस, उसके साथ क्या जबरदस्तियां होती हैं, बस वो ही होगा। हंसी इसलिए ज्यादा है कि ये सही बदल हो जाती है उस डब्बे को। मैंने तो जनाब इन गुनाहगार आंखों से उस डब्बे की पूरी उसको खुला भी देखा बेचारे को, पूरा खोल के अच्छी तरह से वो एक कतरा रह ना जाए अंदर। तो लास्ट 15-20% ब्लड है, इसको स्क्वीज आउट करने के लिए यू कॉन्ट्रैक्ट द एट्रिया। इसे एट्रियल सिस्टली कहते हैं, ठीक है। सो वेंट्रिकल डायस्टली का हिस्सा है डायस्टेसिस एंड एट्रियल सिस्टली। हम बात कर रहे थे वेंट्रिकल डायस्टली, उसमें हमने कहा वेंट्रिकल को फिल करना है। हमने उसका कहा पहला फेज पैसिव है ग्रेविटी, उसका नाम डायस्टेसिस कह दिया हमने, ठीक है। और सेकंड हमने कहा कि वो जो थोड़ा बहुत ब्लड रह जाता है उसको एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करा के डालना उसके लिए जरूरी होता है, और ऐसा ही होता है। तो उसका नाम ही एट्रियल सिस्टली है, वो मैंने यही लिखा है। कुछ बच्चे परेशान हो गए इस पर, सवाल है तो मुझसे भी कर दो। इट विल बिकम इवन मोर कलरफुल नाउ, और इसमें पत्रें ऐड होंगी। यहां तक सब कुछ क्लियर है? Yes. पक्का? Yes. ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहां पे पॉज करते हैं, ये मैकेनिकल इवेंट है, ये एक्टिव इवेंट है। आप सिस्टली कराइए ना, आपने कॉन्ट्रैक्शन कराई है। तो हमने कल और परसों कुछ पढ़ा था इस बारे में, इसके लिए किसी चीज की तो जरूरत है। जो हुई होगी तो ये सिस्टली हुई है। मैं इंतखाबात में नहीं खड़ा हुआ, मैं कह रहा मतलब बाद उठाओ जवाब दो जी। ऐसे नोट्स कार्डिनल पल्स आएगी, ये शाबाश, वेल डन, वेरी वेल डन। अब आएगी ऐसे नोट्स, अब आएगा वो सारा हिसाब किताब। ये हमने एम ए ही बनाया था, ये अभी तो खामोश था, क्योंकि हर चीज बेटे आप समझे कि आपने ना एक ऐसी ट्रेन को समझना आज निकले हैं जो चल रही है, वो रुकी नहीं है। आपने उसको दरमियान से पकड़ना है कहीं से, ये एक पूरे सारे प्रोसेसेस एक साथ चल रहे हैं। ऐसे नोड अपने टाइम पे डिस्चार्ज करता है, एट्रिया को सिस्टली कराता है, थोड़ी देर के बाद वेंट्रिकल को सिस्टली कराता है, दरमियान में डायस्टली हुई होती है और वेंट्रिकल फिलिंग हो रही होती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस साइमल्टेनियसली ब्यूटिफुली सिंक में चल रहा होता है।
ये अब हमने समझना है कि एक मिनट ठहरे, ये रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं जो हमने बनाया, डायस्ट्री से हम बात शुरू करेंगे और वहां से हम इस बात को ले। तो डायस्ट्री जब हो रही होती है वेंट्रिकल की, ऐसे नोड खामोश होता है। जब ये पैसिव फिलिंग हो जाती है और बिल्कुल वो टाइम आ जाता है कि जब आपको एक्चुअली जरूरत है एट्रियल सिस्टली की, तब ऐसे नोड डिस्चार्ज होता। अब ये प्लस का मतलब है कि ये मैंने वैसी प्लस लगा दी है, ये डिस्चार्ज कर दी, इसने डीपोलराइजेशन वेव जिसमें मैं बहुत बात कर चुका हूं उसने ये कर दी। मैं वो पाथवेज नहीं बनाऊंगा, वो बहुत ज्यादा फिर वो क्लटर हो जाएगा, वो सारे पाथवेज अब एक्टिवेट हो गए। हमने ये बात कर ली थी कि पहले एट्रिया डीपोलराइज होते हैं और फिर सिस्टली में जाते हैं, ये बात हमने कर ली थी कल डिटेल से, और डिले के बाद फिर वेंट्रिकल्स जाते हैं। अभी आप सिर्फ एट्रिया पर हैं, अभी अभी ये डीपोलराइज हुआ है, यस, और इसने आनन फानन एट्रिया को डीपोलराइज करके सिस्टली करा दी है। यही आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो अब एट्रियल सिस्टली करके वेंट्रिकल का ब्लड फिल हो गया, कंप्लीट हो गया, दिस इज डन, दिस इज डन। ये वेंट्रिकल की बात, सारी बात वेंट्रिकल की। सो अब क्या सिचुएशन है, इस वक्त क्या सिचुएशन है, मैं दोबारा से रूम में जाता हूं, रूम में पहले ब्लड बहुत थोड़ा सा था, वेंट्रिकल की बात हो गई, अब रूम में ब्लड काफी फिल हो गया, ठीक है, और एवी वैल्व अभी खुला है, एओर्टिक वैल्व बंद है। वैसे यानी वैल्व का स्टेटस अभी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन फर्क ये पड़ा है कि इस रूम में अब, इस वेंट्रिकल में अब ब्लड आने लगती है ड्यू टू दीज प्रोसेसेस, यहां तक ठीक है। अब इस असना में गौर से सुने, एट्रियल सिस्टली हो चुकी, वो जो 15-20% ब्लड है वो वेंट्रिकल में ऐड हो चुका, इस असना में आपके ख्याल में कार्डिक इंपल्स क्या कर, सोचो, मुश्किल सवाल, मुश्किल तो नहीं है, बस आपने थोड़ा सा गौर करना है, कार्डिक इंपल्स क्या कर, जितनी देर में आप सोचते हो मैं एक छोटी सी चीज करता हूं, एबी नोड से गुजर रही है, तो आपको क्या कहना है? एबी मेक्स बहुत क्लोज। नहीं, अभी बात करना चाहोगे? मुझे सिर्फ ये बताएं कि एट्रियल सिस्टली खत्म हो गई है, कार्डियक इंपल्स से करा दी ना एट्रियल सिस्टली। अब कार्डियक इंपल्स क्या कर रही है? वो इस वक्त, वो कल के लेक्चर से कनेक्ट हो जाना, कि वो एट्रिया को करके अब वो वेंट्रिकल की तरफ जाना है, वो साइमल्टेनियसली वेंट्रिकल की तरफ ही जाती है, लेकिन बीच में एवी नोड आ जाता है, और हमने कल बात की थी कि एवी नोड में उसको बकायदा डिले किया जाता है, ऐसा ही है। इस वक्त वो एवी नोड से गुजर रही है, यहां तक ठीक है बेटे? किसी का कोई सवाल है मुझसे अभी कर, हम अब केक के ऊपर वाले मराहल में जा रहे हैं, ये मुश्किल होगा थोड़ा सा, होगा यहां तक ठीक, इसमें मैं बहुत बेबी स्टेप्स पर जा रहा हूँ, ऑलराइट, ये मुश्किल काम होते हैं सारे, क्योंकि तीन चार चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। जी बेटे, ये वैल्व, गुड क्वेश्चन, एवी वैल्व कैसे ओपन हुआ या एओर्टिक वैल्व कैसे बंद हुआ? आप देख रही है गोल में, अब गर्मियां आ रही हैं, तो एंट्रेंस पे उन्होंने अब नया काम उन्होंने शुरू किया, वो प्लास्टिक की एक वो लटकाई होती है, ठीक है, उस प्लास्टिक में और जो शीशे का दरवाजा पहले लगता होता था उसमें क्या फर्क है? इट्स इजी टू ओपन, इजी टू क्लोज। दूसरा ये कि अगर ये बहुत ही पतला कर दें इसको, वो जरा मोटा होता, मैं कहता हूं उसको बिल्कुल बारीक कर, और इधर एक पंखा चला, क्या होगा? पंखा उसको अंदर कर देगा, फिर आप उधर से पंखा चला देगा, वो पंखा उसको बाहर कर देगा, यानी इसकी बेचारे की अपना कुछ नहीं है इसका,
जहां पे इसको एयर फ्लो पुश कर रहा है ये वहां जाएगा, ऐसे ही ये जो फ्लैप्स होते हैं वाल्व्स, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं, ये फ्लिम्सी होते हैं बिल्कुल, ये झिल्लियां होती हैं, थोड़ी सी इनमें होता है मटेरियल, लेकिन मसल मुसल कोई नहीं होता ये खास, ये सिर्फ झिल्ली सी होती है, जरा मोटी सी झिल्ली होती है समझ लो, हल्का सा मोटा प्लास्टिक इमेजिन कर लो ये वो होती है, और इनको सिर्फ ओरिएंट किया जाता है, मिसाल के तौर एओटिक वाल्व है, वो वाल्व क्या है, वो यही है, वो झिल्ली है ऐसे करके है, और एओटा के अंदर उसका मुंह है, जैसे आप नीचे से कुछ पंखा नीचे से चलाएंगे ऐसे करके खुल जाएगा, ब्लड को ऊपर फेंकेंगे, ब्लड ऊपर तो फेंक गया, ब्लड वापस भी तो आएगा, ज्यादातर आगे चला जाएगा लेकिन थोड़ा सा पीछे आएगा, पीछे आएगा, जैसे ही पीछे आएगा वो इधर घुसेगा, इसके दर्जों में घुसेगा और समाप्त कर देगा, यही होगा, इसीलिए बंद है एओटिक वाल्व। लास्ट दफा जो आपने सिस्टली की होगी उसमें आपने ब्लड उछाला था एओटा में, वो थोड़ा सा वापस आकर से कहा ये तो तुम तो बंद होना था, क्योंकि अगर मैंने वापस ब्लड वेंट्रिकल में ले आया एओटा से तो फायदा सिस्टली करने का। एवी वाल्व, एवी वाल्व जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जमा होता है और इतना हो जाता है कि अब एवी वाल्व कांप रहा है उसके वजन से, बर्दाश्त नहीं कर सकता, खुल जाता, दैट इज द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकल डायस्टॉल। ठीक है, एनीवे यहां कैसे गए, बात हो रही थी, क्या बात मैं कर रहा था, कार्डियक इंपल्स, कार्डियक इंपल्स अब एवी नोड से गुजर रही है, जब एवी नोड से गुजर रही है तो कोई मैकेनिकल इवेंट करेगी, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन हो रही है, इस चीज को एक्टिवेट कर रही है, किसी चीज को डीपोलराइज कर रही है, नहीं कर रही है, वेंट्रिकल को जब करेगी तो जहान देखेगा, तो वेंट्रिकल को करेगी पटाखा हो, अभी क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, अभी एक आप समझो एक सुरंग से गुजर रही है, अभी खामोशी है यहां पर, ठीक है, जब इसने एट्रिया को डीपोलराइज किया था तो एक इवेंट हुआ था ना, एट्रिया डीपोलराइज हुए थे, इवेंट नंबर वन, दैट लेड टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इवेंट नंबर टू, फिर ये चलेगी सुरंग में, एवी नोड अभी खामोशी है यहां पे, ठीक है, तो एक और चीज भी साथ साथ आप अब आपको गौर करना पड़ेगा, वो क्या है, ईसीजी, ईसीजी इज एन इलेक्ट्रिकल इवेंट मॉनिटर, नॉट मैकेनिकल इवेंट मॉनिटर, ये बात याद रखना, जिस दिन तुमने कहा कि ये वेव पी वेव जिसे कहते हैं ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनी है, अगर मैं दुनिया में ना भी रहा तो मेरी रूह आगे तुम्हें हॉन्ट करेगी, मैं सही बता रहा, अगर ऐसा हो सकता है, अगर मेरे पास ऑप्शन दिया जाए मैं तुम लोगों को हॉन्ट करूंगा, डराऊंगा, ये एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से बनती है, क्योंकि ईसीजी एक इलेक्ट्रिकल इवेंट मॉनिटर। हाँ ये जरूर है कि अगर हार्ट में कोई गड़बड़ है, हार्ट में अगर एट्रिया की साफ चेंज हो गई है या कुछ गड़बड़ हो गई है तो ये वेव की शेप डिफरेंट हो जाएगी, ये डिंगी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि ये नॉर्मल शेप में नहीं है, इसकी शेप हमें बहुत ज्यादा पते बताती है, लेकिन आपके लेवल पे और जो बेसिक तरीन इंफॉर्मेशन है वो यही है कि ये एक इलेक्ट्रिकल इवेंट मॉनिटर। तो बेटे पी वेव बनती उस वक्त है जब एट्रिया डीपोलराइज हो जाता है। आप ये याद रखें कि ये फ्लैट लाइन होती है, इस पे अगर ये ऊपर जाती है उसका मतलब होता है, नीचे जाती है उसका मतलब होता है, आज आपको वो मतलब भी बता दें, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड लेक्चर है आज का, ये मैं रिवाइज करूंगा आगे एक दो दिन तक, क्योंकि ये बातें आराम से बैठती नहीं है। तो आज समझे पहला कोट है आज, पी वेव अकर्स ड्यू टू एट्रियल डीपोलराइजेशन, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने फ्लैट लाइन बनाई, नोट किया, ये देखो कहां मेरी उंगली, ये फ्लैट लाइन है, ये अपर डिफ्लेक्शन फिर फ्लैट, ये फ्लैट क्यों बनाया, शाबाश, क्योंकि अब कार्डियक इंपल्स किसी चीज को डीपोलराइज नहीं कर रही, सुरंग से गुजर रही, एवी नोड से गुजर रही है, तो लाइन फ्लैट होगी। हाँ जी, अब इस पॉइंट पे, इस नुक्ते पे वो आपका फेवरेट परकंजी सिस्टम में एंटर होने वाली है, अभी आप देखें धमाका क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम वापस अपने इस वाले व्यू पे आ जाते हैं।
आपको ये थोड़ा सा इल्म हो गया होगा कि मैं इस बोर्ड को कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं. इट्स लाइक द हार्ट इज हियर एंड वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम हियर, हियर एओटा, हर हम हर एंगल से उसको देख रहे हैं. पूरे जो इवेंट्स हैं इसके अंदर चल रहे हैं. ऐसे नोड कंडक्शन सिस्टम अपना काम कर रहा है, वेल्व्स अपने उसमें रिदम में हैं, और ब्लड फ्लो एक खूबसूरत ग्रेडियंट को फॉलो कर रहा है. बहुत ज्यादा इसमें हाथी घोड़े नहीं लग रहे अभी तक, अब लगे, क्योंकि अब आपने क्या कर, अब आपने एक भरे हुए वेंट्रिकल को अगेंस्ट ग्रेविटी, आप चाहते हैं कि ये जो आपने भर लिया है सौदा, ये अब आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है. ये नहीं होगा बगैर पैसे खर्च किए, इसमें पैसे लग सी. यस, अब कॉन्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी महंगी वाली, इसमें आपके एटीपी भी लगेंगे, जिसमें आपका बड़ा प्रेशर आएगा हार्ट पे. एंड रिमेंबर द साइट ऑफ मोस्ट ऑफ द एमआईज हार्ट अटैक्स इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. वजह क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्योंकि उसका काम सबसे ज्यादा, आप समझे सरबरा है ये बेचारा, सबसे ज्यादा प्रेशर इसके ऊपर, इसे सबको शराब रहा है. यस, वो अब हम करने लगे. अभी भी रूम में मैं वापस वैल में जाऊंगा, एओटेक बंद है, एवी खुला है, ठीक, उधर पी वे बन चुकी है, और आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जो फ्लैट लाइन को कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, यानी फ्लैट ए लाइन, अभी ना ऊपर ना नीचे, आइसोइलेक्ट्रिक आ गई है, एवी नोड से इंपल्स गुजर चुकी भी है. अब वो चिंगारी लगाने वाली है परकंजी को, वो निकलने लगी है एवी नोड से, यहां से निकलने लगी, ये जी निकल. अब मजेदार काम शुरू हो, अब क्या होगा, अब ये इंस्टेंटली, हमने कभी बात की थी कि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये परकंजी सिस्टम एक्टिवेट होगा. परकंजी सिस्टम इज द कंडक्शन, किसी ने सवाल ही मुझे भेजा था कल कि जी परकंजी सिस्टम क्या होता है, आपकी क्लास थी वो, आई डोंट नो. तो परकंजी सिस्टम इज द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द वेंट्रिकल्स, और यहाँ पे फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स मौजूद हैं, कल बात हो चुकी इस बारे में, और ये इंस्टेंटेनियसली पूरे दोनों वेंट्रिकल्स को डीपोलराइज करते हैं बेटे, डीपोलराइज. और जब डीपोलराइज होगा तो आपको पता है उसके बाद क्या होगा, पहले डीपोलराइजेशन बना रहे, डीपोलराइजेशन बना लेते हैं जी, पहले मैं उसको ब्लू ब्लैक से बनाता हूं ताकि आपको फर्क मालूम है. ये है जो पैटर्न बनता है ईसीजी पे जब वेंट्रिकल्स डीपोलराइज करते हैं. ये एक स्मूथ सिंपल वेव नहीं है, इसकी कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशन है, वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं. आपने सिर्फ ये याद रखना है कि क्यू आर एस, यानी क्यू आर एस वेव कहते हैं इसको या कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ये बनता है बेटा जी जब वेंट्रिकल्स फिर कॉन्ट्रैक्ट डीपोलराइज़र. पहले टॉम एंड जेरी का वो जो बम वाला फीता है वो जलाना है, डीपोलराइज करना है पहले उसको, फिर धमाका होगा. याद रखो इन बातों को, गलती ना करना. यही गलती आप एमसीक्यू में करोगे ना जब आपको मिक्स प्लेट दी जाएगी, मैं बता रहा हूँ आपको, करोगे गलती. आप में 10-20% बच्चे ये गलती करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन में कन्फ्यूज होंगे, और हम बैठे ना आपको कन्फ्यूज करने के लिए, हम तो हमारा तो काम ही नहीं है ऐसा काम. यस, तुमने जो किया ना बड़ा गलत यस किया, हमारा काम ये नहीं है बेटे कि आप कंफ्यूज करें, हम चाहते हैं कि आप तरक्कियां करें, कंफ्यूज आप खुद होते हैं. अच्छा जी, वेंट्रिकल्स डीपोलराइज हो गए, और किस चीज पे डीपोलराइज हुए, एक एक वेंट्रिकल भरा हुआ है, ठीक है. अब शुरू होगी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टम. आप एक बलून लें, बलून में हवा भरो, जब वो हवा फुल हो जाए, बलून बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, मोटी रबर का है, काफी मोटी रबर का है, लेकिन आपने भी तबाही फेर दी है, आपने अपनी सारी सांस ही खत्म कर दी है, और आपने उसको फिल कर दिया. अब वो फिल हो गया है,
तो आप ऊपर नॉट लगाएं जहां से हवा भर रहे थे, अच्छी तरह कस के नॉट लगा दो, ये फिल हो गया अब हवा से और बिल्कुल टाइट हुआ हुआ है। इसकी इसकी अगर आप आउटसाइड वॉल पे देखें तो चमक रही है, बस फटने वाली है। अब आप इसको ऐसे करें, दबाएं, पुश करें, तो ये क्या करेगा? नहीं अभी ना फाड़े, इतनी मेहनत करके इस तरह ही पे फाड़ते हो तो फायदा। अभी आप ऑब्जर्व करें, अगर आप इसको किसी तरह स्क्वीज करते हैं तो ये प्रेशर किधर डालेगा? ये अपनी वॉल्स प्रेशर डालेगा, कहेगा बस करो, ये जो इनलेट जहां पे धागा बांधा था वहां प्रेशर डालेगा। मतलब जो प्रेशर आप उसको देंगे ना, अगर मैं इसको इस तरह से कहूं, ये उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी वॉल्स पे, तो ये गलत नहीं है। एक पूरा फुल एयर से भरा बलून को आप स्क्वीज भी कर रहे हैं, जब उसको स्क्वीज या दबाओगे वो ये जो प्रेशर अब आप उसको बाहर से लगा रहे हो पूरे फिल्ड एयर पे, वो उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर से अगर फटा नहीं तो वो उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना उस प्रेशर, ताकि प्रेशर जरा काबू में, ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा। आप वेंट्रिकल के साथ भी बिल्कुल यही हरकत फरमा रहे हैं, आपने पहले उसको भरा, अब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे, यही कर रहे हैं। जैसे ही आप उसकी कॉन्ट्रैक्शन करेंगे शुरू, कैंडी क्वेश्चन, सबसे पहला इवेंट क्या बोलना, 20 सेकंड स्टार्ट, स्टेज सेट, कमरा मैंने दो दफा डिफाइन किया, पहला इवेंट, एक छोटू सा इवेंट है ये, छोटू सा लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या 20 सेकंड में 10 हो गए सेकंड में और 10 सेकंड रह गए, और ये आपका टेस्ट भी है कि कितने लोग प्लग्ड इन हैं इस लेक्चर में, मतलब मेरा इम्तिहान है ये। हो गया टाइम, 1 2 हाथ खड़े करो ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्यारह बजे जी, ब्रीफ आंसर। सर ए वी नॉट क्लोज होगा, सर नोट, सॉरी ए वी वॉल, ए वी वॉल क्लोज होगा, सेम ए वी वॉल, ए वी वॉल प्रेशर डालेगा, आप भी किसी और, आपने मतलब डाल दिया, ए वी वॉल, ए वी वॉल बंद होगा, ए वी बंद, और किसने मतलब डाल दिया, एओटिक वेल ओपन ही है, ए वी वॉल स्टॉप कर दो, हाय और किसी आपने लगे तो आपने ए वॉल बंद होगा, 3 4 5 6 7 और कौन था यहाँ पे ए वी वॉल वाला, हाँ उन सारे हाथ करेगा, कोई पार्ट नहीं, तुम नहीं थे, तुम सिर्फ यस सर कहने में आते तो भी 7 ट्रॉफियां पड़ गई, ये बड़ा मस्त थोड़ी है, लेकिन दूंगा कब मैं वो 28 सारे बदले बदले हो गए, ये काम तुम कर रहे हो ठीक, ये आप मेरा मेरे ऊपर उधार है, आप बच्चों का आइडेंटिफाइड रखो, सीआर कोई नहीं है ना यहाँ का, आप सीआर हैं, सीआर आपने याद कराना है मैंने 7 कैंडीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है बच्चों को, आई एम वेरी हैप्पी, वेल डन। जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टली में जाएगा सबसे पहले मुसीबत पड़ेगी वो जो छालने रखी हुई थी ऐसे करके एवी वेल वाली, वो कहेंगे ओ हो 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 ये प्रेशर किधर से आ रहा है, जैसे ही प्रेशर आएगा वो टक वापस ऊपर बंद, ये जो लटके हुए थे ये मैंने आपसे पहले बता दिया था, ये हल्के बिल्कुल हल्का मटेरियल होता है, इतना भी हल्का नहीं होता लेकिन बस ठीक ही होता है, इनको हल्का इसलिए रखा जाता है, इसको टाइट करके आपने करना क्या है, इसका तो काम है खुल बंद होना, दरवाजा मैंने स्टील करके इस पे वो सीमेंट तो नहीं लगा सकता, इसका मकसद दरवाजे का खुलना है, तो इसको जब आपने ऐसे खोला हुआ है और इस चेंबर को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और प्रेशर अब बढ़ रहा है इसमें, तो फौरन क्या होगा कि एवी वाल्व पहले क्लोज होगा, बेटे ये पहला इवेंट होगा, ये पहला इवेंट होता है वेंट्रिकल सिस्टली का जिसमें आवाज आती है, आवाज आती है, हाँ जी, फर्स्ट हार्ट साउंड, मैंने आपसे कहा था चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी, अब हमने ये भी टेंशन लेनी है कि हार्ट साउंड्स भी होती हैं, है जी, तो पहली हार्ट साउंड मैं लिखूंगा नहीं वरना बहुत क्लटर हो जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं ये अपने दिमाग में ऐड करो, जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टली शुरू होती है एवी वेल हो जाता है क्लोज, उसके क्लोजर की वजह से आपका ओके साउंड कैसे आती है,
ब्लड बह रहा था ऐसे करके, आप उस ब्लड अभी हल्का सा बह ही रहा था कि आपने कार नहीं बढ़ी, अब सिस्टली शुरू करें, सिस्टली शुरू हुई, ये वैल ऊपर आ रहे हैं, ब्लड अभी भी थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है, तो शर 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 होगी क्योंकि ये ऑपोजिट जा रहा है ना फ्लो के, ये वैल क्लोज हो रहे हैं और ब्लड ऐसे आ रहा है, ये वैल ऐसे क्लोज हो रहे हैं, तो उससे टर्बुलेंस क्रिएट होती है ब्लड के अंदर, आवाज उसकी होती है, आवाज फ्लैप्स की नहीं होती, हो ही नहीं सकती, वो तो बड़े हल्के से हैं, उनकी कोई आवाज नहीं होती, आवाज होती है टर्बुलेंस की, जो ये बंद वेल्व्स जब बंद हो रहे होते हैं तो ये एक इंतशार पैदा करते हैं उस फ्लो ऑफ ब्लड, उस इंतशार की आवाज होती है फर्स्ट आंसर, और ये नॉर्मल, ये ठीक है, यहां से ठीक है, ये जो सिचुएशन है इसका एक नाम है, ये कुछ ज्यादा नीचे नहीं हो गया, ये कवर हो रहा है अबित जी, यहां पे आ रहा है, इसको बेटे इधर ही लिखना जरूरी है, वरना मैं बात चेंज, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल सिस्टमी के तीन हिस्से हैं, पहला हिस्सा है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसो वॉल्यूमेट्रिक का मतलब है सेम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इज कॉन्ट्रैक्शन, सेम वॉल्यूम क्या मतलब, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होती है एवी वैल्व हो जाता है बंद, अब खुले रास्ते कितने हैं इस तरफ, इस कमरे में कोई नहीं, खुला तो कोई भी नहीं, एओर्टिक तो बंद था वो बंद ही रहेगा, एवी खुला हुआ था, एवी आपने कर दिया बंद, और आप कॉन्ट्रैक्शन किए जा रहे हैं, वो गुब्बारे वाली एग्जांपल है, आप उसको प्रेशर दिए जा रहे हैं, अब वो क्या करेगा, वो करेगा ये कि वो वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर ऊपर जाता जाएगा, जब क्योंकि आपने टेंशन डाल दिया उसको, आपने भरे हुए वेंट्रिकल पे, एक भरे हुए ऑर्गन पे आप निकलने कुछ दे नहीं रहे और आप प्रेशर बढ़ाए जा रहे, इसे कहते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ऐसी कॉन्ट्रैक्शन जिसमें वॉल्यूम का कोई चेंज ना हो, बस प्रेशर बढ़ी जाए, तो अगर आप प्रेशर वाला ग्राफ देखेंगे तो वो ऐसे ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम वाला ग्राफ फ्लैट जा रहा है, ठीक है, इसका जब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ना, जब ट्यूजडे को मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊंगा, वो बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा, सीमेंट जैसा पक्का इंशाल्लाह, अगर आप इसको फॉलो करते रहेंगे तो, अभी आपको सिर्फ जुबानी कलामी और आपकी इमेजिनेशन को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इसकी जब ग्राफिकल फॉर्म आप देखेंगे तो बिल्कुल खूबसूरती से आपको चीज कन्फर्म हो जाएगी, तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है प्रेशर इज गोइंग अप बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन एक बंद चेंबर, एक क्लोज चेंबर को जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रेशर ने तो ऊपर जाना है लेकिन वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम सेम है क्योंकि आपने हर चीज बंद कर दी, या तो ठीक हम वैसे ऐसा क्यों कर रहे हैं, कोई वजह है, या हम तीन टेंशन वेंट्रिकल को डाल रहे हैं, वजह तो है, हम क्या, जब मैं कहूंगा तुम लोग फौरन पकड़ लोगे, इंस्टाग्राम की करना है, लेकिन और जब स्पेसिफिक बात करो ना, कमरे की बात, कमरे के अंदर हुआ जी, अब आप बिल्ली को अपने कॉर्नर में करती है और उसको आप मतलब तंग किए जा रहे हैं, अब बिल्ली जाहिर है अटैक ही करेगी क्या, आप एक बंद चेंबर को कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हो और आपने वैल सारे किए हैं बंद, अब वो किसी ना किसी वैल को तो खोलेगा, एओर्टिक वैल को खोले, ये सारी तगोदो बच्चों, इसकी सारी तगोदो जो आप कर रहे हैं ये एक हदफ है, एओर्टिक बंद वैल पे पड़ा हुआ है उसको खोल दो, अब वो वैल्स की मैंने आपको सूरत हाल पहले बता दी थी कि वो बड़ी बेचारा वो है जिनिया सी और वो शदीद प्रेशर में है एओर्टा में, ऑलरेडी जो ब्लड मौजूद है उसके, याद है ना मैंने अभी बात सारी ले डाउन की थी, वो अंदर मुड़ता है एओर्टा, इधर पीछे वेंट्रिकल है, ऊपर वो पूरी इमारत है ब्लड की जो एओर्टा के अंदर पहली कॉन्ट्रैक्शन में से बैठी हुई है, जिसके ब्लड के अंदर ये बंद है, इधर से प्रेशर लगा रहे हैं उधर से वो प्रेशर लगा रहे हैं, और ये क्योंकि इस बेचारे का अपना कोई है नहीं हिसाब किताब, ये बंद है, अब जीतेगा कौन, जो शाबाश जो ज्यादा प्रेशर लगाएगा वो जीतेगा, और प्रेशर हम इसीलिए जनरेट कर रहे हैं कि हम एओर्टा में मौजूद प्रेशर को बीट करें, चॉकलेट क्वेश्चन,
प्लीज जवाब ना दीजिए, पैसे बड़े खर्च हो जाते हैं चॉकलेटों पे, वो ड्यूटी बहुत लगा दी है। डेयरी चलो एक काम कर लेते हैं, इसमें आपकी पसंद की कोई चॉकलेट होगी? सबसे ज्यादा बोल रहा है उसका मुश्किल ही था। क्वेश्चन ये, वो कितना प्रेशर होगा? 10 सेकेंड है इसमें, इसमें तोहफा पड़ा है। 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अब जब 1, 2, 3, 4 ये उंगली है, 5, 6, 7, 8 तीन बच्चे हैं, बाकी सारे ये हैं। शुरू करें। 8 मिलीमीटर होगी। 8 मिलीमीटर आजी। 8 मिलीमीटर आजी। कौन ला रहे? बना रहा है। एलिफान पंडिया मिलीमीटर आजी। या तुम थोड़ा स्लो बोल सकते हो? एक प्रेशर बता दो, किस प्रेशर को हमने बीट करना है कि ओटी पास खुल जाए? बम खुल जाए। दोनों की डिफरेंस के बराबर होगा ना, ग्रेविटी से ज्यादा होगा। सही जवाब। एक चॉकलेट बढ़ गया। यू आर लंडन 80 को, पर शुक्र है तुमने 80 को चेंज करके 120 कर दिया। अब बेटे आपने अपनी पसंद बतानी है चॉकलेट, ठीक है? सीआर को बता देना या उनको अगर जीआरएस को बता देना, मुश्तक बंदे होते हैं। सीआर ये सारे मेरे जो डेट्स हैं ये तुमने बताने हैं मुझे कि मेरे मैं कितना और हलाल होता हूँ, ठीक है? वेरी वेल डन। ये 80 आया कहाँ से? बेटा जी ब्लड प्रेशर आप जब से बच्चे थे आपको बताया जाता था 120-80 है, आज वो 80 एक्सप्लेन हो गया जल्दी से। जैसे ये सर्कुलेशन हम डिटेल में करेंगे, ये जो 80 होता है ये क्या होता है? 120 मैक्सिमम प्रेशर होता है सर्कुलेशन में ब्लड का, जैसे आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कहते हैं, और उसके जो सबसे नीचे लेवल होता है वो 80 होता है। 80 से नीचे उसको नॉर्मल हालात में नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम 120 तक जाता है और लीस्ट वो 80 होता है। तो हम बात कर रहे थे एओडा के ऊपर जो ब्लड है एओडा के अंदर वो मिनिमम कितना है जिसको बीट करना है, वो 80 है। मैक्सिमम 120 है, लेकिन 120 तो बनाएंगे ना सिस्टली के दौरान बनाएंगे, वो सिस्टली में बनता है। वैसे डायस्टली में सर्कुलेशन में प्रेशर कितना होता है? 80। इसलिए हम कहते हैं 120/80। 80 इज द मिनिमम प्रेशर ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। यस जी। टेक्निकल नाम बीपी नहीं है, एबीपी आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो हर जगह होता है, कैपिलरी में भी होता है, वेन्स में भी होता है, थोड़ा बहुत तो उनमें भी होता है, लेकिन हम जब ब्लड प्रेशर कहते हैं तो हमारा मतलब होता है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अब आपको समझ आती है कि इस जगह ये जो ये एओर्टा था इधर मिनिमम प्रेशर 80 है, ये है हदफ वेंट्रिकल सिस्टली का, इसको बीट करना है वरना एओर्टिक वाल्व खुल ही नहीं सकता। ये मेरिट की बात है, मेरिट की बात। जब तक आप उसके ऊपर वाले चेंबर के प्रेशर को ओवरराइड नहीं करेंगे आप इसको यहां से नहीं खोल सकते जो चाहे कर। हाँ, जब ये बढ़ते 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 80 mmHg को क्रॉस करता है, अब एओर्टिक वाल्व के पास कोई चारा नहीं कि वो खुल जाए और खुल जाए। ये हमने खोल दिया इसको, अब ये स्ट्रॉन्ग लाइन बनाना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत ज्यादा धमाके से ब्लड वूश आउट करता है वेंट्रिकल से और सुनामी आ जाता है ब्लड का इनटू द बेस ऑफ द एओर्टा एंड फर्दर आउट। इसे आप कहते हैं इजेक्शन फेज, इजेक्शन फेज। इजेक्शन का मतलब बाहर निकालो। यस, इजेक्ट कर दिया आपने, हम बस अपन यूट करेंगे इस पर, हम दोबारा आएंगे, ठीक है? जैसे आपने इजेक्ट किया अब ब्लड लिटरली फुवारे की तरह वेंट्रिकल से एओर्टा के अंदर जा रहा है क्योंकि एओर्टिक वाल्व खुल गया है, और
थोड़ी देर के बाद ये जो प्रेशर बिल्ड हुआ है वेंट्रिकल का, ये कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ब्लड अब इसको निकल रहा है, तो प्रेशर नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही प्रेशर नीचे आएगा और ऊपर जो प्रेशर और वॉल्यूम आपने डाला हुआ है वो हल्का सा बैक फ्लो करेगा, एओर्टिक वाल्व फिर बंद हो जाएगा, इससे एक साउंड प्रोड्यूस होगा। सेकेंड हाफ फर्स्ट स्टार्ट साउंड का प्रोड्यूस हुई, स्टार्ट ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टम। सेकेंड हार्ट साउंड एट द एंड ऑफ इंजेक्शन फेज। ठीक है, ये आएंगे एमसीक्यूज में एज स्टेटमेंट्स, उसके पीछे देखो कितनी साइंस है, लेकिन आपको वो बस धड़न धक्का वाला सवाल आएगा, बताओ जी कब आता। तो थोड़ा सा आदमी का कंसेप्ट समझ लेना, तो ये एमसीक्यूज इतने मुश्किल नहीं रहते, क्योंकि अगर रटेंगे इसको आप तो 50-50% चांस है कि यू विल गेट इट राइट, लेकिन 50% चांस है यू विल गेट इट रॉन्ग, बिकॉज वर्डिंग उसकी कंफ्यूजिंग होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते एमसीक्यूज। सो बेहतर है आप समझ लें। सो जैसे ही वो बैक फ्लो हल्का सा होता है, एयरटेक वाला होता है बंद, सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। अब कमरे की हालात बताएं, कमरे के हालात क्या है, दोनों वाल्व्स बंद है, यस एओर्टिक अभी बंद हुआ है, ए भी तो बेचारा सहम के वैसे ही बंद हुआ था पहले से, इस वक्त दोनों वाल्व बंद है, और मजीद क्या हो रहा है, वॉल्यूम निकल चुका जो इंजेक्शन निकलना था, थोड़ा बहुत रह गया, जीरो वॉल्यूम नहीं होता, ये बात याद रखना, पूरा ब्लड वेंट्रिकल से नहीं स्क्वीज आउट होता और नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रह जाता है। अच्छा ये निकल गया, दोनों वाल्व बंद है, अब क्या है, अब कैफियत वही है जो इधर थी, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो कैफियत थी वेंट्रिकल की, कैफियत अब वही बन गई, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही, अब क्या हो रहा है, अब रिलैक्सेशन हो रही। यस, तो आपने सिर्फ यहां पे ये लिखना है, आखिरी इसका जो हिस्सा है वो ये आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। और उधर ईसीजी में आपने चलो टी वेव बना, याद रखें टी वेव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेव बाय द वे, टी वेव इज ड्यू टू वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, जो रिलैक्सेशन के दौरान बनती है, जब रीपोलराइज होता है वेंट्रिकल उसके थोड़ी देर के बाद वो रिलैक्स होना शुरू होता है, जब वो डीपोलराइज होता है उसके थोड़ी देर के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, रीपोलराइजेशन के थोड़ी देर के बाद वो रिलैक्स होना शुरू होता है। तो ईसीजी और कार्डिक साइकिल हमने आज कवर किया है, हमने मैं रिकैप कर रहा हूं क्विकली, वेंट्रिकल डायस्टली पढ़ी है आज और वेंट्रिकल सिस्टली पढ़ी। वेंट्रिकल डायस्टली में हमने ये देखा है कि वेंट्रिकल फिल कैसे होता है, पैसिव प्रोसेस और एक्टिव प्रोसेस, और उसका जो एक्टिव प्रोसेस है वो एट्रियल सिस्टली है, जिसकी वजह से पी वेव बनती है, उसके थोड़ी देर के बाद वेंट्रिकल डायस्टली शुरू हो जाती है, क्योंकि वो वेव जो कार्डियक इंपल्स की वेव थी वो एवी नोड से गुजर के अब उसने एक्टिवेट किया है वेंट्रिकल्स को, वेंट्रिकल सिस्टली में जाता है, सिस्टली के क्या मराहिल है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसके दौरान शुरू में फर्स्ट हार्ट साउंड बन जाती है, फिर जैसे एओर्टिक वाल्व खुलता है एट 80 mmHg और हायर इजेक्शन शुरू हो जाती है, और जैसे इजेक्शन खत्म होती है सेकेंड हार्ट साउंड आ जाती है और स्टार्ट हो जाता है आखिरी फेज आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। जी सर, इजेक्शन फेज के अंदर ब्लड प्रेशर कितना होगा टोटल? वेरी गुड, आप बताएं, कोई बताएगा मैक्सिमम कहां तक जाएगा और मिनिमम कहां तक रहेगा? तो इंजेक्शन में मैक्सिमम 120 तक जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बनता है वो इस हरकत से बनता है कि वो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन प्रोफाइल है जो 120 तक लेके जाता है, इसलिए 120 होता है, और मिनिमम वो 80 तक रहता है। मिनिमम 80 तक क्यों रहता है ये हम बात करेंगे सर्कुलेशन। ठीक है सर,